बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लाहौर ठोकर नियाज बेग से एयरपोर्ट की जानिब जाएं तो जो सबसे पहला अंडरपास आता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मीर चाकर आज़म रिंद। तो वो आपने नाम तो बहुत दफ़ा देखा होगा लेकिन एक शख्सियत के मुतालिक बहुत कम लोग आज के दौर में जानते होंगे। तो आज हम आए हैं उसी शख्सियत के मज़ार पर। मीर चाकर आज़म रिंद जो बलोचों के एक ऐसे अजीम लीडर थे जिन्होंने इनको ऐसा मुतहद किया कि आज भी बलोचों के तमाम जितने भी ट्राइब्स हैं वो इनकी इज़्ज़त सब यकसा हो के करते हैं, चाहे कोई लाशारी है, मकरानी है, रईसानी कोई भी है, वो इन सरदार की इज़्ज़त बहुत करते हैं क्योंकि ये इसी काबिल थे कि इनकी इज़्ज़त की जाए, क्योंकि ये एक बड़े खसूसियात वाले बहादुर लीडर थे। इस मकबरे के अंदर यहाँ पे उनकी कब्र है, इस गुंबदनुमा बिल्डिंग के अंदर, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस ये जो चार दीवारी है यहाँ पे उसकी कहानी होगी, ये कहाँ क्वेटा के करीब पैदा हुए, यहाँ पे कैसे आए, ये सारी स्टोरी आज हम जिक्र करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा दें जनाब, यहाँ पे घोड़े के ऊपर ये बैठे हुए हैं, क्यों ना पास चल के हम देखते हैं। तो बलोचों ने इस कदर इनसे मोहब्बत की थी कि ये आज तक बलोच ट्राइब्स के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर, नडर और बेपाक लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। ये इनका मुजस्मा यहाँ पे लगा हुआ है, इसी वजह से तो अंडरपास और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको इनके नाम नज़र आते हैं। आज हम पाकिस्तान एक्सप्लोर सीरीज़ में इनके इस मज़ार पे आए हैं और इनके मुतालिक आपको बतलाएंगे कि ये एक ऐसी खसूसियात वाले इंसान थे जो बलोचों की असल पहचान थे। आपको याद होगा कि हमने आपको कीनिया में मुम्बासा में के अंदर भी बलोचों के मुतालिक बताया कि बलोचों की अरब्स के अंदर, अफ्रीका के अंदर इज़्ज़त क्यों थी। तो वही बहादुरी की अलामत आज इस जगह पे आपको बताते हैं इस अजीम सरदार के बारे में। 1468 ईस्वी में पैदा होने वाले ये अजीम सरदार महज 18 साल की उम्र में मीर चाकर आज़म रिंद वो फातह बने और उन्होंने कलात को फतह किया। उसके बाद उनकी अपने कबीलों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई बेसिकली उनके एक जो वादा था उसको निभाते हुए ही 30 साल वो लड़ाई जारी रही और बिल आखिर जब उनकी वहाँ पे सुलह हो गई तो उन्होंने ख़ुद ही उस इलाके से कूच किया कि हमारे बलोच ट्राइब्स में अब मज़ीद लड़ाई ना हो। तो उनकी लड़ाई लाशारियों के साथ चल रही थी। तो वो यहाँ पर इस मकाम पर ओकाड़ा से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर सतघरा का मकाम है जहाँ पे आके वो आबाद हुए। सतघरा के मुतालिक लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जो बलोच सरदार के साथ सात ख़ानदान आने की वजह से इसका नाम सतघरा हुआ। कोई कहता है कि यहाँ सात मरतबा जलजला आया, ये दोबारा आबाद हुआ, इसलिए इसको सतघरा बोलते हैं। तो मुख्तलिफ बातें हैं लेकिन खैर हम नाम में नहीं जाएँगे, आपको बताते हैं कि यहाँ पर आके जब वो आबाद हुए तो यहाँ उन्होंने इस जगह को महफूज करने के लिए एक लंबी मुरब्बा शक्ल की बड़ी मजबूत किस्म की ये दीवार बनाई। इसको अगर करीब जाके मैं आपको दिखाऊं तो ये उस ज़माने की एक बहुत मज़बूत दीवार मानी जाती थी, ये देखिए। तो इस दीवार को बनाने के बाद उन्होंने अपने बाकी कबीले वालों के साथ रहना शुरू किया और बलोच सरदार कहा करते थे क्योंकि वो ख़ुद बड़े बहादुर, बड़े नडर और इंतकाम भी अंदर, तो इसारो कुर्बानी भी उनके अंदर। तो वो कहा करते थे, मतलब इस कदर बहादुर इंसान थे, वो कहते थे कि मैं अपने दुश्मन के इंतकाम की भी कदर करता हूँ जो मेरे इस ऊंचे किले की दीवारों पे हमला करने की जुर्रत रखता है। तो वो बहादुरी को इस तरह पसंद करते थे कि बहादुर दोस्त तो पसंद था ही लेकिन बहादुर दुश्मन की भी वो दिल से कदर करते थे और हमेशा कभी भी उन्होंने ताकत का साथ नहीं दिया बल्कि जो मजलूम या कम ताकतवर लोग थे या ग्रोह थे उनका साथ दिया। इसके बारे में हम आपको मज़ीद बताते हैं कि इनकी क्या हिस्ट्री है मुगलिया अम्पायर के अंदर, इन्होंने किस शहज़ादे और बादशाह को सपोर्ट किया और शेर शाह सूरी को इन्होंने अपनी कंपेन की वजह से, लड़ाई की वजह से शिकस्त दी। लेकिन उसके साथ हम अंदर चलते हैं, ये हमारे दोस्त आए हैं, वो हमें यहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा खोला हमारे लिए, तो अंदर चलेंगे। आवाज़ ज़रा आहिस्ता होगी, बस अंदर से आपको इनका मकबरा दिखाना मकसूद है। तो ये तकरीबन कोई 400 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसको डेफिनेटली बाद में कोई रेनोवेट किया गया है लेकिन ये तब से लेके आज तक यहाँ पर है। यहाँ पर जूते उतार देंगे क्योंकि ये बहुत ही एक इज़्ज़त की जगह है इनके लिए। तो ये देखिए जनाब अंदर से कवर,
कहते हैं कि ये कब्र पहले बहुत नीचे हुआ करती थी और अब इसको ज़रा उन्होंने निशानी के तौर पे ऊपर कर दिया। तो ये हैं अजीम बलोच सरदार मीर चाकर आज़म रिंद, अल्लाह इनकी कब्र पे रहमत नाजल फरमाए। क्योंकि ये कहा करते थे, ये कहते थे कि बुजदली और झूठ ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के ईमान को तबाह कर देती हैं, तो ये इनसे बड़ी नफ़रत करते थे और बहादुर आदमी थे, जंगजू थे। यहाँ पे आप देखें तो तस्वीर लगी हुई हैं और ये कुछ इस तरह से पहले ये दीवारें यहाँ तक आती थी, फिर इनको दोबारा से बनाया गया। ये इस जगह पे हम अभी खड़े थे, ये आप देखिए बिफ़ोर रेस्टोरेशन ये इस तरह से थी और ये ओल्ड बिल्डिंग थी आप देखिए। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको काट के ये रास्ता बनाया जहाँ से हम नीचे आए और इस जगह पे खड़े होकर मैं इस दीवार के साथ चल रहा था। तो ये भी इन्हीं की आई थिंक तस्वीर लगती है, चाकर आज़म जी, ये चाकर आज़म ही हैं, जवानी की तस्वीर। और ये कुबूर मस्जिद भी हैं यहाँ पे। यहाँ इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये भी रेनोवेट किया गया, पहले कुछ इस तरह से था फिर उसको बना के ऐसे किया गया। और ये यहाँ इस कले की दीवार के हाल थे इस तरह, उसको भी उन्होंने बेहतर हालत में कर दिया। तो ये उस वक्त उन्होंने जब वो 15वीं सदी में आए थे या 16वीं सदी में, तो ये बड़ी मजबूत एक मुरब्बा शक्ल की फसील तामीर की थी जो उनका कला था। और वो इसीलिए तो कहते थे कि वो बड़ा बहादुर है जो मेरे इस ऊंचे कले की दीवारों के ऊपर हमला करने की जुर्रत रखता है, मैं उसके इंतकाम की कदर करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चले कहीं तो कुछ किया, इसको देख के खुशी हो रही है कि इसको महफूज किया गया। यहाँ पे लोग भी हैं जो इसकी खिदमत पे मामूर हैं। तो अभी आपको इनकी हिस्ट्री के मुतालिक बता देते हैं। मकबरे के अंदर चूंकि गूंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके राउंड अबाउट घूम के आपको ये बिल्डिंग भी दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ अतराफ से, और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। मीर चाकर आज़म रिंद की बहादुरी पूरे खित्ते में मशहूर थी और मुगलिया सल्तनत के एक बादशाह थे हुमायूं। हुमायूं फारस की जानिब चले गए थे यहाँ दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि वो मुल्क बदरी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो फारस से उनकी वापसी इसलिए हुई क्योंकि मीर चाकर आज़म रिंद ने उनको ज़ुबान दी और कहा कि हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे, आप आइए। तो फिर मीर चाकर आज़म रिंद वो हुमायूं की फ़ौज जो बहुत कमज़ोर थी शेरशाह सूरी के आगे, अगरचे शेरशाह सूरी ने पहले मीर चाकर आज़म से मदद मांगी थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी कमज़ोर के ख़िलाफ़ एक ताकतवर से नहीं इत्तेहाद कर सकता। तो वो उन्होंने इत्तेहाद किया कमज़ोर के साथ एक ताकतवर के ख़िलाफ़। तो फिर देखा गया कि किस तरह से मीर चाकर आज़म रिंद की फ़ौज और हुमायूं की फ़ौज ने मिल के उस शेरशाह सूरी के इक्तदार को ख़त्म कर दिया और दिल्ली पे कब्ज़ा हुआ हुमायूं का। हुमायूं ने फिर खुश होकर ये सारा खित्ता और यहाँ की ज़मीन और बहुत सारे घोड़े और नौकर चाकर वो मीर चाकर आज़म रिंद को दिए, जिसके बाद वो यहाँ पे ऐसे आबाद हुए कि मरते दम तक वो यहाँ पे रहे। और आज उनका ये मज़ार, उनकी कब्र यहाँ होना इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने फिर इस खित्ते से अपनी मोहब्बत में कमी नहीं आने दी और अपने आबाई वतन जाने की बजाय वो यहीं पे दफन हो गए। तो मीर चाकर आज़म रिंद की ये वीडियो और उनकी ये बहादुरी की दास्तान अगर पसंद आए तो आप लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे माशाल्लाह मकामी अहबाब भी आ चुके हैं, और अगर आप कभी आना चाहें तो आप उकाड़ा की तरफ से आएँ तो तकरीबन 12-13 किलोमीटर के बाद आप ये सतघरा जो कस्बा है वहाँ आ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और रिनाला खुर्द से आएँ तो तब भी तकरीबन 8-9 किलोमीटर का ये फासला है जो आप तय करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। ये है मकबरा और जगह मीर चाकर आज़म रिंद रहमतुल्लाह अलैह की, एक बहादुर इंसान के मकबरे से मुझे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अजीम लीडर, किसी और ख़ास मकाम से एक नई वीडियो के साथ।